Rahul Sharma, your friend and guide, and today we're going to work out the basics that you need to do for June 2019 paper are on the head. Or preparation naam ki cheez abhi tak shuru nahi hui hai. And those who have started, seriously, are worried. Damn worried. Sir, reason kya hai? Sir, we have tried our best, par samajh kuch nahi aa raha. Seriously, kuch nahi aa raha. Because we are being lacking in basics. अभी बेसिक्स क्या है और करना क्या है और इस वीडियो को देखने का रीजन क्या है. सर हमने वीडियो देखते ही क्लिक किया कि सर आपकी वीडियो डेफिनेटली एमए की बहुत सारे वीडियो आपकी हैं और जिससे बेनिफिट भी हो. तो यहां आप क्या बता रहे हो, वी आर हेयर टू सर्च दैट. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस नीड टू कीप इन योर माइंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक 2019 जून अटेम्प्ट पेपर्स. सर जून अटेम्प्ट पेपर्स को क्रैक करना है सीरियसली विद लीस्ट 70% मार्क्स. अब 70% मार्क्स कैसे आते हैं मैं बताता हूं. इन टिप्स को फॉलो करना. पहला, सर स्टडी करनी है बट सब कुछ नहीं, गो फॉर अ स्मार्ट स्टडी. सर व्हाट इज अ स्मार्ट स्टडी? थोड़ा पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो. सर थोड़ा और इफेक्टिव होगा क्या? तो यहां पे आपको पहले पॉइंट आउट करना होगा दैट यू गाइस नीड टू क्लियर द बेसिक्स. हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, पहली चीज. So as we all know that IGNOU is having a vast course. सबसे बड़ा course है. Seriously, India में इससे बड़ा course किसी university में नहीं है Masters of English के लिए. अगर MA English कर रहे हैं तो India की किसी भी university को compare करो. Seriously, it can challenge to the entire world universities in the course of Masters. तो इतना course किसी university में जितना ही है. तो सर क्या सब कुछ पढ़ना है? अगर आप एस्पिरेंट हैं डेफिनेटली कि आगे जाके आपने नेट जीआरएफ क्लियर करना है तो जिसने एमए इंग्लिश में ना उसका 50% कोर्स तो यही होता है. उसको भी सिर्फ 50% मेहनत लोगों नहीं पड़ती है उसको क्रैक करने की. तो एमए इंग्लिश का फायदा यहां पे ये है इग्नू से करने का. लेकिन सर यहां पे एमए इंग्लिश को क्रैक करना तो करना क्या है? तो सर बी सिलेक्टिव. यू नीड टू बी सिलेक्टिव. सीरियसली सब कुछ नहीं, सिर्फ जो सिलेक्टिव है उसको पढ़ना है. अब सर सिलेक्टिव क्या है, हाउ डू वी गेट टू नो, मैं हूं उसके लिए आपका. सीरियसली आप हैं, कोई दिक्कत आती है तो मेरा नंबर दिया हुआ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल. आपने कहा सर सिलेक्टिव होने के बाद पहली चीजें चार चीजें क्लियर करनी है. सर एमजी 1, 2, 3 or 4. दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम. जो फर्स्ट टाइम एम इंग्लिश पेपर देने, ये उनके लिए. यू गाइस नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. क्या है सर इसमें, ऐसा क्या क्या बताने वाले हो आप? तो आपको पॉइंट्स को लोड करना है. सर कौन से पॉइंट्स लोड करने? सर अगर मैं एमबीजी 1 की बात करता हूं तो आपको चौसर, स्पेंसर और मेटाफिजिकल पॉइंट्स में कोई भी नहीं छोड़ना. तीन क्वेश्चन कंफर्म बता दिया आपको मैंने, चौसर, स्पेंसर और मेटाफिजिकल पॉइंट्स. देन सर सीधे पीछे से आएंगे हम क्या करेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करेंगे. सब पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉइंट जो है उनको रोल करेंगे. देन कम अप टू मिल्टन. सीरियसली मिल्टन एंड कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ. सर छह टॉपिक बता दिए, सातवां आपका मन करे तो रोमांटिक्स पे जा सकते हैं. उसके बाद बाकी को छोड़ भी दो, डजंट मैटर टू मी, कि पेपर में ये ऑन टिप होने चाहिए. सर इनकी पोएट्री बहुत सारी है तो उसके लिए स्पेशलाइज वीडियो होगी. अभी तो खाली मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्टिव क्या करना है आपने. Then come up to the next point. Sir, the next point is all about MEG2. Sir, British drama की बात कर रहे हैं आप. यार आप ड्रामा British drama. तो उसके लिए क्या क्या टिप करना है? जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे ड्रामा को टिप करो. सॉरी दिस नो नीड. YouTube पे सारे वीडियोज हैं, पहले वीडियो देखो एक रफ आइडिया क्लियर होगा. Then you need to have the notes. Serious the notes. अगर खुद बनाए बहुत अच्छी बात है. Try to grab mind. Notes दो उनको पढ़ना शुरू करो. नोट्स इजी मिल जाएंगे आपको. मेरे को व्हाट्सएप डालिए एंड यू विल गेट योर नोट्स ऑन योर मेल. बट यू हैव टू पे फॉर दैट नोट्स. दैट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. पहले क्लियर कर दो. वो आप करने के बाद सिर्फ उन नोट्स को फॉलो करो. इन दैट टर्म्स फिर आपको सिलेक्ट होने की जरूरत नहीं. फिर आप सिर्फ नोट्स को फॉलो करेंगे. दैट इज मोर देन इनफ. सीरियसली मोर देन इनफ. कम अप टू द एमईजी 3 ब्रिटिश नॉवल की बात कर रहे हैं. सर अगेन जरूरी नहीं है सारे के सारे करने. दो छोड़ सकते हैं, कोई भी दो जो आपको क्रैक नहीं करते आप छोड़ दो. अब सर
प्रॉब्लम ये आती है दैट वायर टू MEG2 एंड MEG3 इनका आंसर कैसे लिखना है, हाउ वी सपोज टू राइट ऑन द आंसर्स ऑफ ब्रिटिश ड्रामा एंड ब्रिटिश नॉवल। सर डिफरेंस है सीरियसली दोनों एक नहीं है। ब्रिटिश नॉवल एज कंपेयर टू ब्रिटिश ड्रामा मच इजियर, क्यों सर? इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बट ब्रिटिश ड्रामा में आप ये नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो द रिपोर्टेड कंडक्ट, यू हैव टू राइट देयर व्हाट एवर बीन रिटन इन द टेस्ट एंड यू मस्ट यूज द कोड्स व्हाइल राइटिंग द आंसर ऑफ MEG2 ब्रिटिश ड्रामा। उस वक्त आपको कोड्स को ऑन टिप करना है। Guys need to clear the codes. Codes क्या है, how you're going to implement all them in an answer. आपके आंसर में इस तरह प्रेजेंट करने कोर्स को कि लगे दैट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ ये रिलेट कर, खाली याद नहीं करने की कोड की कहीं भी डाल दें बॉस, इंप्लीमेंटेशन मैटर करती है। मैं आपके हाथ दीजिए कान कान दीजिए पैर लगा दूंगा बट अजीब से लोगे वही आप आंसर में करते हैं, कहीं भी कुछ भी डालते हैं वो नहीं करना। यू शुड नो हाउ टू राइट एंड देन कम अप टू द नेक्स्ट पेपर दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। सो दिस इज द रियली जेन्युइन पेपर इन फर्स्ट ईयर जहां दिमाग यूज है पेपर सिंसियरली बहुत ही इजी है। सर सिंसियरली वर्ड आई हैव यूज्ड दिस रीजन कि पेपर में पूरी ईमानदारी चाहिए। द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक टू लास्ट ब्लॉक यू नीड टू क्लियर एंड देन द थिंग्स दैट रियली आई एम गोइंग टू टेल यू कि गाइस ये करने हैं वो इस पेपर के नोट्स को मैंने बहुत अच्छे से एलिबरेट किया हुआ है कि क्या क्या आना चाहिए आपको, क्या क्या करना है, कैसे करेंगे वो सब यहां याद होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि सर हम सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सर आप कुछ क्लूज बताओ कि जिनको फॉलो करने से हम मैक्सिमम नंबर स्कोर कर लेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में क्या रखना है, सबसे पहले आपको एक पिक्चर क्लियर करनी है दिमाग में कि पेपर का फ्रेमवर्क क्या है, पेपर कैसा आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इग्नो में एक जनवरी का अटेम्प्ट है और दूसरा जून का अटेम्प्ट है, और इग्नो डेफिनेटली वेरिएशन लगता है जनवरी अटेम्प्ट में और जून अटेम्प्ट में बिल्कुल वेरिएशन होती है। सिर्फ यही वजह है कि जिस वजह से मैं हर बार अपने नोट्स बदलता हूं, हर बार अपने नोट्स को मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि नोट्स क्वेश्चन के हिसाब से होते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन हिसाब से नोट्स को फॉर्म करता हूं, उनमें चेंजेस देके आता हूं, उन चेंजेस को फॉलो करके आपको प्लान करना है दैट हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर, क्या क्या चीजें जिसमें टर्म्स कौन सी हैं, किन किन चीजों को क्लियर करना है और कैसा आइडियोलॉजी रहेगी इस बार के पेपर की। एंड द रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट हाउ आई एम गोइंग टू ग्रैब मैक्सिमम्स, ऐसा कैसा लिखेंगे आप कि लिखने से जो पढ़ने वाला ना उसको डेफिनेट लगेगा दैट दिस स्टूडेंट जनरली द गाय और द गर्ल रियली इज राइटिंग द परफेक्ट मटेरियल दैट आई वांट फॉर द आंसर, तब आपको जाके मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। एंड दैट यू हैव टू नो परफेक्शन दैट सर्व्स, परफेक्शन दैट वर्क्स फॉर योर मैक्सिमम मार्क्स। एंड एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई मस्ट से कि बॉस डोंट गो फॉर द स्टडी, सर सिर्फ पढ़ना नहीं है बट गो फॉर अ स्मार्ट स्टडी। आपको एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डिलीवर इन एग्जामिनेशन, उस एग्जाम में क्या देना है। अब एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, करने का तरीका क्या होगा, वो किन किन चीजों को याद रखना है। एंड गाइस प्लीज मेक श्योर दैट व्हाइल यू प्रिपेयरिंग एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम और यू हैव स्टार्टेड और नॉट, आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस बट इट्स अ हाई टाइम दैट यू गाइस नीड टू स्टार्ट अप। इफ यू डोंट हैव माय नोट्स स्टार्ट मेकिंग योर ऑन, you cannot have it doesn't matter but least start making it now, if you can avail it is the best part, nahi to shuru karo abhi kaise banane uske liye I have really made already video that how you guys can make the notes of MEnglish, usko follow up karo, there are least 150 videos for MEnglish notes, un videos ko follow karo, un concepts ko clear karo that what I want you guys to do। कैसे लिख सकते हैं, लिखने का प्रोविजन क्या होगा, किन किन चीजों को दिमाग में रखना है और हम कैसे मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं, वो सब वहां दिया हुआ है। एंड एट द लास्ट वीडियो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, फर्स्ट चेक आउट द कोर्स कंटेंट,
पूरा पूरा कोर्स कंटेंट क्लियर करो। कोर्स कंटेंट क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स। मैं अगर मिलता हूं तो मेरी वीडियोस देखें, उनके थ्रू नोट्स मिलते हैं तो उनके थ्रू, ओ योर लेक्चरर्स, देन नो योर वीकनेस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। हर कोर्स कंटेंट में कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस होती है जो हमें नहीं आती, हम जहां लैग कर जाते हैं, यार मुझे ये चीज नहीं आ रही, मुझे नहीं पता इस आंसर को कैसे लिखेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू रन दिस आंसर इन परफेक्ट मैनर। द फर्स्ट, नो द कंप्लीट कोर्स कंटेंट, सेकंड, नो योर वीकनेस, एंड द थर्ड, बी सिलेक्टिव, एंड देन रूल आउट ऑल द मेजर पॉसिबिलिटीज जो भी आप कर सकते हैं। टिल देन, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया तो आप भी कभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां वो सब मिलेगा जो आपके डाउट्स में भी डाउट क्रिएट करता है। कीप वॉचिंग गाइस।